25 दिन में करोड़पति। पैसा डबल करना है, जो मैंने पैसा लगाया उसको मैंने डबल करना है। इस लाइन के चक्कर में इंडिया में इस लाइन की ओर इतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं ना कि कुछ लोग स्कैम में फंस जाते हैं और कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि फॉर्मूला क्या है, कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने सालों में पैसा डबल होगा। इंडिया में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, क्या आपको पता है इंडिया में 100 से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिनमें आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम तो आप चलो लगा ही सकते हो। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी एज कोई भी हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल होगी और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं हूं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है ऋषि टॉक्स मनी। करिए फिर शुरुआत, चलो फिर। सबसे पहले ये समझने के लिए कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जिनमें आप पैसा लगा सकते हो, अपना पैसा डबल कर सकते हो, कितने टाइम में कर सकते हो, हमें ये समझना पड़ेगा कि एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला एसेट अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा इक्विटी एसेट। कहने का क्या मतलब हुआ, इक्विटी एसेट का मतलब क्या होता है कि इक्विटी वर्ड आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इक्विटी होती है जब हम किसी कंपनी के शेयर्स बाई करते हैं, यानी कि हम उसकी इक्विटी बाई करते हैं, उसके शेयर्स के भागीदार बनते हैं। अब इक्विटी एसेट टाइप में क्या होता है कि पहला इक्विटी एसेट टाइप हो जाता है कि सीधा आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के सीधा आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हो। दूसरा इक्विटी में एसेट टाइप आ जाता है ऐसे म्यूचुअल फंड्स को बाय करना जो म्यूचुअल फंड्स आपके बिहाफ पे, यानी कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड के जो AMCs होती हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो उनको मैनेज करते हैं, वो कंपनीज के आगे शेयर बाय करते हैं। और जो म्यूचुअल फंड सीधा डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं, यानी कि उनकी रिटर्न स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है, उन्हें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। हालांकि अगर आपको ये नहीं पता कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, जनरली ये भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हमने एक डेडिकेटेड बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो बनाई हुई है, यहाँ कहीं उसका लिंक आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप वो जाके देखना, आपको बहुत आसान भाषा में पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। तीसरी इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी बेस्ड एसेट में आ जाती है वो आ जाती है हमारे ETF। अब ETF क्या होता है ध्यान से सुनना, ये एक आसान तरीका है अपना पैसा बनाने का अगर सही तरीके से करोगे तो। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर इसको आसान भाषा में बोले तो ऐसे फंड जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के NSE एक्सचेंज है, BSE एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनमें कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं, वैसे ही ETFs भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। ये भी एक तरह के शेयर्स ही होते हैं, लेकिन इनमें बेनिफिट क्या होता है। अब आपको शेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता, आपको पता नहीं कि कौन सी कंपनी बाय करनी है, निफ्टी 50, यानी कि निफ्टी 50 कहने का मतलब कि निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, उनमें से कौन सी कंपनी के शेयर बाय करूँ, कौन सी के ना करूँ, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आपको निफ्टी का पता, यार 15,000 पे तो नहीं होती आज से 20 साल बाद, ठीक है। आप क्या करोगे, निफ्टी 50 का एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी कि एक शेयर है, आप छोड़ दो कंपनीज को, आप सिर्फ निफ्टी के ऊपर पैसा लगा सकते हो, एज अ शेयर बाय कर सकते हो। जैसे ही आप शेयर बाय करते हो डीमैट अकाउंट में जाके, वैसे आप नॉर्मल बाय एंड सेलिंग कर सकते हो, उसको कहते हैं हम निफ्टी 20, यानी कि वो एक पूरी निफ्टी का एक शेयर प्राइस है, जिसकी जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है 162.19, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल हर महीने 5,000 या 10,000 निकालना चाहते हो, आप हर महीने निफ्टी 20 में पैसा लगाते जाओ, जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगी वैसे वैसे निफ्टी 20 भी बढ़ेगी। तो ये होता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मैं इसमें भी पैसा लगाता हूँ। ऐसे ही अलग अलग ETFs होते हैं, जैसे कि गोल्ड बहुत महंगा है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन आप गोल्ड के भी ETFs हैं। हालांकि जो इक्विटी बेस्ड एसेट होते हैं ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, इनकी जो रिटर्न है वो मार्केट के ऊपर, मार्केट की मूवमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खेलो तो इनका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अब इक्विटी में आपका पैसा कितनी देर में डबल होगा, कितने साल लगेंगे, वो फॉर्मूला मैं आगे बताता हूं। पहले बात कर लेते हैं हम अपने अगले एसेट की, वो है हमारा डेब्ट एसेट, जो कि स्टेबल और कम रिस्की होता है। डेब्ट यानी कि
कर्जा। अब यहाँ कर्जा वर्ड सुन के घबरा मत जाना, मैं यहाँ पे कर्जे की बात कर रहा हूँ कि हमें लोगों को कर्जा देना है, उल्टा कर्जा लेना नहीं है। यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यानी कि जिन्हें कर्जा चाहिए, जिन्हें डेब्ट चाहिए, हम उन्हें दे रहे हैं और उनसे अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं और साथ में अपना जो हमने प्रिंसिपल दिया है उसको भी हम वापस लेंगे। अब मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा जो हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो ये ऐसे मतलब कि ये करते रहते हैं, अपने लोकल में करते रहते हैं, उसकी बात नहीं करता। वो तो स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा रिस्की काम है, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लीगल वे में कर्जा देने की, बॉन्ड्स के थ्रू, ना कि कर्जा लेने की। बॉन्ड्स के थ्रू आप कैसे कर्जा दे सकते हैं एक लीगल वे में? बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भी कर्जा लेती हैं बॉन्ड्स के थ्रू। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। बॉन्ड, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कोई बड़ी कंपनी एक्स वाई जेड, वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कुछ प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो एक लीगल वे में रह के, लीगल सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को सारा पूरा करके एक बॉन्ड इशू करते हैं, जितनी अमाउंट उनको चाहिए होती है। अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है, लीगल पीस ऑफ पेपर होता है, जिसमें ये होता है कि आप अगर हमें इतने पैसे दोगे एक्स वाई जेड, तो हम आपको हर साल, पहले ही डिसाइडेड होता है कि वो आपको उसके ऊपर कितनी ब्याज देंगे, जिसे कूपन भी, किसे इंटरेस्ट भी बोल लो, कूपन बोल लो, जैसे भी आप बोलना चाहते हो। अब आप सोचोगे क्या इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट्स को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है? यस, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। जो हमारे जो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो भी बॉन्ड्स में ही अपना ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो यानी कि अगर आप किसी बॉन्ड में, फॉर एग्जांपल, 1,00,000 रुपये लगाते हो, और वो बॉन्ड आपको बोल रहा है कि वो आपको 8% आपको इंटरेस्ट देगा एनुअली, तो यानी कि आपको हर साल 8,000 रुपया आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें जो रिटर्न होती है वो हमें पहले ही पता होती है कि हमें कितनी मिलेगी, वो स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होती। लेकिन पहले क्या होता था, पहले आम यानी कि हम जनता के लिए बॉन्ड्स को खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस होता था। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हुआ है, अब बॉन्ड्स खरीदना बड़े लोगों की बात नहीं रहेगी, वो आप और हम भी खरीद और बेच सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एक वेबसाइट है thefixedincome.com, जो कि टिप्सन्स करके फॉर्म है, जो कि 30 साल पुरानी फॉर्म है और सेबी रजिस्टर्ड फॉर्म है, यानी कि आप इन पे भरोसा कर सकते हो। ये क्या करते हैं, ये आपके और हमारे हाथ में, यानी कि रिटेल क्लाइंट्स के हाथ में, बॉन्ड्स को कैसे खरीदना और कैसे सेल करना है उसका सॉल्यूशन देते हैं, इंडियाज लीडिंग बॉन्ड हाउस। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। जैसे हम नॉर्मल एक बेसिक हर वेबसाइट के ऊपर एक साइन अप करते हैं, वैसे आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जब आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे, आप देखेंगे आप ऊपर अलग अलग तरह की टैब्स बनी हुई हैं, जैसे कि हाई रिटर्न बॉन्ड्स, सॉवरेन बॉन्ड्स, जिन्हें थोड़ा स्टेबल और कम रिस्क की बॉन्ड्स भी माना जाता है, टैक्स फ्री बॉन्ड, हाई रिटर्न बॉन्ड्स। अगर आप टैब पे क्लिक करोगे, आपको नीचे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनीज ने अपना बॉन्ड इशू किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपना बॉन्ड इशू किया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी बॉन्ड इशू करती हैं, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। वैसे ही अगर आप यहाँ सॉवरेन बॉन्ड्स पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बॉन्ड्स मिल जाएंगे। जो ये हमारे सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, जिन्हें वहाँ पे लिखा भी हुआ है रिस्क फ्री बॉन्ड, थोड़े ये कम रिस्क के होते हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा कम रिस्क के होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स की तरफ से होते हैं। इनमें रिटर्न भी कम होती है, लेकिन इनमें रिस्क भी कम होता है। इनमें लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। जो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो भी अच्छी तरह एनालिसिस करके कौन से बॉन्ड को में पैसा लगाना है, वो भी इन्हीं में ही पैसा लगाते हैं। आगे है हमारे टैक्स फ्री बॉन्ड, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वो बॉन्ड जिनमें आपको लाइक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक और अच्छी बात वो ये है कि अगर आप यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है बॉन्ड गुरु, यहाँ बॉन्ड गुरु में जाएंगे, आपके कोई भी
बॉन्ड्स के रिलेटेड कुछ भी आपके मन में डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, डॉक्यूमेंट्स को रीड कैसे करना है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है बॉन्ड के डॉक्यूमेंट में लिखा है उनका मतलब क्या है, ये एक बॉन्ड्स का गुरुकुल है, यहाँ पे आपको सारी एक जानकारी मिल जाएगी। अब जहाँ पे हाई रिटर्न बॉन्ड्स लिखे ना, हाई रिटर्न के चक्कर में वहीं पे मत चले जाना, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस जहाँ पे हाई रिटर्न होते हैं वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, जहाँ पे थोड़ी कम रिटर्न होते हैं वहाँ पे रिस्क भी कम होता है। आप सारे जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़ना। जब आप कोई भी बॉन्ड के ऊपर क्लिक करोगे, देन यहाँ पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद आपको यहाँ नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना। इस वेबसाइट ने इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला है। आप जाएं, अकाउंट फ्री में बनाएं और इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि जितना आप इस दिमाग में फाइनेंशियल नॉलेज भरोगे ना, उतना ही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। जितना यंग एज के लिए वालों के लिए तो मैं जितना जोर दे दूँ उतना ही कम है। और ये वेबसाइट आपको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। कहने का क्या मतलब हुआ कि बाय चांस भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपको बॉन्ड्स बेचने पड़ते हैं, देन ये वेबसाइट आपको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेगी कि ये आपसे बॉन्ड खरीद लेगी, तो आप कहीं ना कहीं हर तरफ से सेफ हो जाते हो। अब डेप्ट एसेट में आपके पैसे कितनी देर में डबल होंगे वो मैं थोड़ा फिर आगे बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। अगला एसेट टाइप जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, घरों में बहुत पड़ा हुआ है, वो है हमारा गोल्ड एसेट। पहले सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही खरीदा जाता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई हैं, आजकल आपको डिजिटल गोल्ड भी मिलता है, यानी कि आपको पेपर के वैल्यू में गोल्ड मिलेगा, जब आप उसको चाहना चाहें आप उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एंड दूसरा क्या है कि आजकल जो सबसे, मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डिजिटल गोल्ड से भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड बाय करने के लिए, वो ये है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो डिजिटल गोल्ड से ज़्यादा हैं। हालांकि जो फिजिकल गोल्ड होता है, अगर आपका मकसद है कि आपको पहनना है, गोल्ड फील करना पहनना है, तब ही आप फिजिकल गोल्ड को लें, लेकिन अगर आपका मकसद है कि आपको गोल्ड को एक एसेट टाइप यूज़ करना है, देन यानी कि आपको एक उसको एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए यूज़ करना है, देन गो फॉर डिजिटल गोल्ड या फिर सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिजिटल गोल्ड से ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके बेनिफिट्स को देखते हुए। अब बात करते हैं उस फॉर्मूला की कि किस फॉर्मूला से आपको पता चलेगा कि आपके इक्विटी एसेट टाइप में, डेप्ट एसेट टाइप में, या फिर गोल्ड एसेट टाइप में, या फिर प्रॉपर्टी भी बोल रहे हो प्रॉपर्टी एसेट टाइप में कितनी देर में आपके पैसे डबल होंगे। सी अगर जनरली देखा जाए, अगर आपको आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट 12% से 15% रिटर्न दे रही है, देन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे ही अगर आपकी जो डेप्ट इन्वेस्टमेंट है वो अगर आपको 6% से 8% रिटर्न्स दे रही हैं हर साल, देन आप बहुत अच्छा कर रहे हो। देन गोल्ड की हमारी रिटर्न हो जाती है कि आपको गोल्ड कितनी रिटर्न दे रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी देर में डबल होगी कैसे पता चलेगा कि इन एसेट्स में कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी देर में डबल होगी? इसी बहुत ईजी फॉर्मूला है। आपको क्या करना है कि 72 फॉर्मूला यूज़ करना है। कहने का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो आपको हर साल 10% रिटर्न दे रही है, यानी कि 10% रिटर्न होगी 72 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी वो 7 साल 2 महीने में डबल होगी। तो ये थी वीडियो। फैशन एंड ग्रूमिंग की वीडियोस भी आती रहेंगी, लेकिन हमें ऐसा ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बी कैंट मीन्स कैंट 360 डिग्री, क्योंकि जब लाइफ आगे बढ़ेगी, जब कंधे पे वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी ना, तब आप इन वीडियोस को याद किया करोगे। अगर आप अभी एक्शंस लोगे तो आपकी जो वो कंधों पे जो बोझ होगा ना, पंजाबी में बोझ हो गया, भार होगा, वो कम होगा। बाकी thefixedincome.com का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डू चेक आउट दैट वेबसाइट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो।